Assalamualaikum to everyone, welcome back to our YouTube channel। आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नेम है नर्वस डिसऑर्डर्स। तो हमने देखा था नर्वस सिस्टम को, हमने स्टडी किया था, CNS को पढ़ा हमने, फिर PNS को पढ़ा। तो बायोलॉजी में एक चीज़ है कि जब आप कोई टॉपिक को पढ़ते हो या कोई इंसानों से रिलेटेड जो चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रेन है या किडनी का आपने देखा था, इन सब के बाद आपने इसकी कुछ बीमारियां भी पढ़ी थी, डिसऑर्डर्स भी पढ़े थे। तो इसके इस टॉपिक्स के बाद भी हम क्या करेंगे, इसके डिसऑर्डर्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास सवाल ये बनता है कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो डिसऑर्डर सिंपली ये है कि एक चीज़ जो नॉर्मल फंक्शन से हट जाए उसको क्या कहते हैं हम डिसऑर्डर। मतलब वो एक नॉर्मल काम करे या वो नॉर्मल काम नहीं करी तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ अ डिसऑर्डर। और ये किसके डिसऑर्डर हैं, ये है नर्वस डिसऑर्डर, मतलब नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व, इन सब से रिलेटेड क्या है आपके पास ये डिसऑर्डर्स हैं जो आपके चंद एक बुक में लिखे हुए हैं, वो मैंने आपके लिए मुलाहजा किए हैं। पार्किंसन डिजीज, सबसे पहले आपके पास है जी पार्किंसन डिजीज। इस डिजीज़ बेटा ये साइंटिस्ट ने अपने नेम पर बनाई हुई है डिजीज़, मतलब जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसी ने उसका नाम रख दिया जी, इसका नाम है पार्किंसन डिजीज। अब इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में बॉडी के अंदर स्टिफनेस खत्म हो जाती है, रिजिडिटी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी ये पोस्चर है, मतलब दबंग बन गया मैं अब, ठीक है, होड़ होड़ दबंग वाला स्टाइल। लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, बॉडी पोस्चर मेंटेन नहीं रहेगा। अभी मैंने यूं किया और मैं इसमें बॉडी पोस्चर यूं नहीं कर सकता, मैं इस तरह से, अगर आप मेरे एल्बो देख सकते हो तो एल्बो भी क्या हो जाती है इसमें बेंड हो जाता है, लेग्स भी बेंड हो जाती है इसमें। ये बॉडी की वो कंडीशन है जब आपकी कोई भी चीज़, इवन के हेड भी आपका डाउन चला जाता है, आप यूं करके नहीं देख सकते, आप यूं नहीं हो सकते। तो ये बेटा किससे रिलेटेड है आपके पास, पार्किंसन। जब आप किसी के अंदर देखो कि ये वाली कंडीशन आ रही है तो वो क्या बेटा आपके पास पार्किंसन डिजीज है। क्या है इस बंदे को, पार्किंसन डिजीज। और ये डिजीज कॉमन है मोस्टली इन अमेरिका। अमेरिका में 5.8 मिलियन लोगों को ऑलमोस्ट क्या है बेटा पार्किंसन है। और 60% जो डिजीज होती है ये 60 से 65 की एज वालों को, लोगों को होती है। तो बेटा क्लियर, आपने इंट्रोडक्शन सुना पार्किंसन डिजीज का, अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स बेटा इनवॉलंटरी ट्रीमर्स, ट्रीमर्स कहते हैं थरथराहट को, थरथरी को, इन चीज़ों को, मतलब इंसान कांपना। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में चाय का कप है तो मैं उसको कांप रहा हूँ, पानी के गिलास है उसको हाथ मेरे कांप रहे हैं, हाथों में क्या वो ताकत नहीं है। इस तरह से जो बॉडी फंक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा पार्किंसन डिजीज में डिस्कस करते हैं। डिमिनिश मोटर पावर एंड रिजिडिटी, इसमें क्या बेटा मोटर जो पावर होती है वो क्या होती है खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। और रिजिडिटी जो मैं आपको अभी समझा रहा था, रिजिडिटी मतलब जो सख्तपना है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस वजह से होता है बेटा, ये ब्रेन सेल की डेथ से विच प्रोड्यूस डोपामीन। बेटा आपने पढ़ा था डोपामीन क्या था, एक न्यूरो ट्रांसमीटर था। ओके बेटा, जब ब्रेन सेल की डेथ होगी और जो प्रोड्यूस करता था आपके पास डोपामीन, तो उससे आपके पास क्या डिजीज होगी पार्किंसन। रिजल्ट इसका क्या है बेटा, हेड ट्रोमा, मतलब सर के अंदर चोट भी आ सकती है। और ओवर एवरेज एज क्या है बेटा इसकी, यूजुअली 50 से 60 के लोगों की होती है ये पार्किंसन डिजीज। इसके ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, एल डोपा को लेकर बेटा हम डोपामीन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब एल डोपा क्या है, इसको किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेटा, ये हम क्या ब्लड में इंजेक्ट करते हैं एल डोपा को, एल डोपा लेके प्रोड्यूस करवाता है आपके पास दोबारा से डोपामीन को। लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल पेश आती है, वो ये कि एल डोपा को ब्लड हमारा ब्रेक कर, वहां पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं और वो बहुत कम ही अमाउंट में पहुंच पाता है। और फिर इसके फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, एल डोपा की मिकदार को बढ़ा दिया हमने, एल डोपा कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया। जब एल डोपा बढ़ाएंगे तो फिर भी बॉडी के अंदर इसका भी साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है। तो इन मसले मसाइल को देखते हुए साइंटिस्ट ने इफेक्टिव प्रोटीन बनाई GDNF, जिसका उन्होंने नाम रखा दी GDNF, ग्लायल सेल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। जी फॉर ग्लायल सेल एंड डी फॉर ड्राइव, एन फॉर न्यूरोट्रॉफिक एंड एफ फॉर फैक्टर, ग्लायल सेल न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर इसका नाम रखा बेटा। अब ये इसको साइंटिस्ट लैब में टेस्ट कर रहे हैं रैट्स पर और मंकीज पर। अगला नंबर आपका आने वाला है बेटा, मतलब ये इंसानों पर भी अब इसी को यहाँ पे तजुर्बे करने के बाद फिर किस पे करेंगे, इंसानों पर करेंगे। क्लियर बेटा, तो हमने पार्किंसन डिजीज को देखा, सिम्टम्स का रिजल्ट, एवरेज ट्रीटमेंट और इफेक्टिव प्रोटीन। बेटा ये सारे पॉइंट आप लिखाते हो तो आपने
ये डन कर दी पार्किंसन डिजीज। इसके बाद हम आते हैं बेटा एपिलेप्सी पे। एपिलेप्सी को उर्दू में हम क्या कहते हैं बेटा, मिर्गी भी कहते हैं। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें कि इसका क्या मतलब है, तो एपिलेम्बिनियन ग्रीक वर्ड है बेटा, एपिलेम्बिनियन उसका मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल सीजर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें पर्सन को नर्वस सिस्टम के अंदर क्या झटके लगने शुरू हो जाएं, या वो बंदा क्या अचानक स्ट्रोक्स लगे उसको न्यूरॉन्स के, तो वो क्या होते हैं आपके पास एपिलेप्सी होता है बेटा। ये देखो इन्होंने भी लिखा है या मैंने लिखा है कन्वल्सिव डिसऑर्डर बेटा, अचानक से क्या झटके लगने शुरू होते हैं ऑफ नर्व्स के, मोटर सेंसरी एंड ऑटोनोमिक इन नेचर वो हो सकती है, एक्सेसिव रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर बेटा। ये यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है न्यूरॉन्स का, और वो खुद ब खुद क्या जो आपको जरूरत भी नहीं फिर भी आए जा रहे हैं। उसके सिम्टम्स क्या है बेटा, फिर अलामत क्या है, चेंज इन कॉन्शियसनेस आपके बेटा कॉन्शियसनेस में, मतलब एक शौरी इरादे में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा, सडन ट्रांजिएंट अल्टरनेशन इन ब्रेन फंक्शन एंड सीजर, और अचानक क्या आएगा ब्रेन फंक्शन सीजर, मतलब ब्रेन फंक्शनिंग में क्या होंगे झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। एवरेज एज क्या बेटा, बिफोर एज 30, और लेटर एज क्या ऑर्गेनिक डिजीज की वजह से होता है, मतलब बाद में जो होगा वो किसी ऑर्गेनिक डिजीज की वजह। इसके लिए टेस्ट बेटा क्या कर सकते हैं, EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जैसे आपके पास ECG होता है ना, उसी तरह का इलेक्ट्रो EEG है, ठीक है। वो कार्डियो से रिलेटेड है, दिल के रिलेटेड होता है, और यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है बेटा, एपिलेप्सी के रिलेटेड है। और इसमें करते हैं क्या बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये दो तारे हैं और एपिलेप्सी टेस्ट करें, तो यहाँ पर वो बेटा तो तारे लगाएंगे और चेक करेंगे, ये तारे बताएंगे कि बेटा कितने करंट आ रहा है, मतलब कितने न्यूरॉन्स एक्साइटेड हुए हुए हैं, तो ये ECG के बारे में बताते हैं, मतलब किसको कितनी स्टेज का है। इसके लिए बेटा ड्रग्स या ट्रीटमेंट क्या है बेटा, इसके लिए इसको ट्रीटमेंट भी कह सकते हो, एंटी कन्वेंशन ड्रग्स लेनी है आपने अगर किसी को है और वो देख रहा है, तो वो क्या ले मतलब जिससे झटके ना लगें। और अल्कोहल, वैसे भी अल्कोहल हराम है, और अल्कोहल जो पिएगा उसके लिए एपिलेप्सी वो समझ लो वो और बढ़ा रहा है उसको, मज़ीद वो सेवेयर करता जा रहा है अल्कोहल कंजप्शन से। अगर वो कंजप्शन कम कर देगा तो उसके एपिलेप्सी स्ट्रोक्स भी कम हो जाएंगे, क्लियर बेटा। इसके अलावा इसके लिए आप ले सकते हो एविलैप, ओके, ये टैबलेट्स हैं, ड्रग्स हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं, वो उसके लिए होती हैं, या सोडियम वेलप्रेट वो उसके लिए ले सकते हो बेटा, वो उसका केमिकल फार्मूला होता है, और जो जिसके अंदर वो होगा मतलब वो किसके लिए होगी, एपिलेप्सी डिजीज के लिए होगी, क्लियर बेटा। अच्छा बेटा अब हम आते हैं अल्जाइमर डिजीज पर, ओके। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, अलॉयस अल्जाइमर ने डिस्क्राइब किया था बेटा इस डिजीज को, डिजीज इन 1907 बेटा 1907 में अलॉयस अल्जाइमर ने इसको डिस्क्राइब किया, और अपने ही नाम बेस कहा गया इस डिजीज का नाम रख दिया। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन में क्या होता है कमी हो जाती है, मतलब बेटा इंसान इसमें गजनी बन जाता है। आपने देखी थी ना मूवी, सब ने देखी होगी आमिर खान की मूवी, जिसमें वो क्या था गजनी हो जाता है, चीज़ें भूल जाता है, कुछ उसको याद नहीं रहता सब कुछ। और इसी तरह एक काजल की भी मूवी थी, वो बाजार में जाती है और उसके साथ करीब ही घर होता है और फिर भी अपना घर भूल जाती है, अजय देवगन आता है वो उसको घर ड्रॉप करके आता है। तो बेटा इसमें इंसान क्या छोटी छोटी बात क्या से लेके बड़ी बड़ी बात तक क्या भूल जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिमेंशिया का मतलब भी बेटा क्या होता है आपके पास, मेमोरी लॉस। डिमेंशिया मींस मेमोरी लॉस, और रीज़न क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम के मिकदार का ज़्यादा हो जाना हो क्या होता है इसकी वजह बन जाता है बेटा। और ये जेनेटिकली भी हो जाती है, जेनेटिकली मीन बेटा क्या, ये आपकी फैमिली में भी रन करेगी, क्या करेगी बेटा आपकी फैमिली में भी रन करेगी, मतलब नसल दर नसल फिर आगे, ये इस तरह की डिजीज है बेटा। रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि जेनेटिकली था फैमिली के अंदर भूलने की बीमारी, फिर उसके औलाद में आ गई, फिर उससे आगे जाएगी, इस तरह में ट्रांसफर हो सकती है बेटा, क्लियर बेटा। अब इसका ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने क्योंकि बीमारी जो पड़ते हैं बेटा उसका इस तरह करते हैं, सिम्टम का रिजल्ट एवरी ट्रीटमेंट, मतलब आपने ये मेन चीज़ें तो लाजिम बतानी होती है कि इंट्रोडक्शन क्या है डिजीज़ का, फिर सिम्टम्स क्या है, उसके काज क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये लाजमी। आप कोई भी डिजीज़ को स्टडी कर रहे हो तो लाजमी चीज़ें करो। तो मैंने इसका बेटा ट्रीटमेंट आपकी बुक में नहीं था वो लिखा है मैंने, कोलाइंस टीरेज इसका बेटा क्या है ट्रीटमेंट आपके अल्जाइमर का। और इसके अलावा
आप कुछ प्रिकॉशंस भी कर सकते हो, आप एक्सरसाइज करके भी अल्जाइमर डिजीज को बेहतर कर सकते हो या इसकी स्टेज को कम के लेके आ सकते हो, या आप हेल्दी डाइट को अपनी रूटीन को अच्छी करके, ये सब चीज़ें फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको इस डिजीज से क्योर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बड़ा एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन, मतलब आपकी ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, नसवार हो गई आपके पास और सिगरेट हो गई और हीरोइन हो गई और चर्स हो गई, पता नहीं कितने कितने तरह के आपके पास ड्रग्स हैं, तो ये जो इसका क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन में क्या जरूरत है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने निकोटीन के हवाले से बात की कि एक्शन ऑफ निकोटीन, मतलब निकोटीन का क्या एक्शन होता है बेटा। तो बेटा निकोटीन का एक्शन जो होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन CNS NPM मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन ऑन निकोटीन रिसेप्टर्स। बेटा ये क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है उसकी डायग्राम बेटा मैंने यहाँ बनाई है, ये ना समझ लें ये उसकी डायग्राम है क्योंकि उधर जगह मुझे कम लग रही थी। तो बेटा ये जो आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। इसके ऊपर ये क्या है बेटा, आपके पास रिसेप्टर सेल है। रिसेप्टर सेल ने बेटा किसको कैच करना है, यहाँ से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एसिटाइल कोलीन है आपके पास न्यूरो रिसेप्टर सेल एसिटाइल कोलीन है, तो वो क्या करेगा, एक्शन मिमिक कर देगा, मतलब उसको पता नहीं चलेगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर को बाइंड करूँ, लेकिन वो कर किसको लेगा बेटा, ड्रग्स को बाइंड कर लेगा। मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आना था ब्लैक ने, जो उसका क्या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से आना है, लेकिन आ कौन गया बेटा आपके पास रेड वाला, ये आपके पास रेड बेटा फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स है निकोटीन ने, तो ये आके इसके एक्शन को क्या मिमिक कर दिया और उससे बेटा हो क्या सकता है आपका, इससे बेटा इंक्रीज हो जाता है आपके पास हार्ट बीट भी और ब्लड प्रेशर भी, इंक्रीज हार्ट बीट और बेटा आपके पास ब्लड प्रेशर, इससे बेटा ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं और वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया, मतलब पेचस वगैरह जैसे लूज मोशन, वाटर रिटेंशन रिलेशन बाय किडनी, और किडनी के अंदर भी वाटर रिलेशन रिटेंशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम ड्रग्स की वजह से आ जाती हैं, जैसे कि भूख का ना लगना और ब्रेन का ठीक से फंक्शन ना करना और वीकनेस हो जाना, मसल्स की वीकनेस हो जाना। तो बेटा देर आर मैनी मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन योर बॉडी, सो यू शुड अवॉइड दिस ड्रग्स। इसी के साथ लेक्चर एंड होता है, दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।